हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए आंवले की ऐसी दो रेसिपी जो कि ना तो अचार है, ना ही मुरब्बा है, ना ही जैम है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत ही डिलीशियस है। तो मार्केट में अगर आंवला आए और मेरे घर में उसकी कोई रेसिपी ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको दो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी दूंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 kg के करीब यह आंवला ले लिया है और आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आंवले आने लगे हैं और जैसे कि इसमें विटामिन सी बहुत होता है तो हमें इसको किसी ना किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं उबालूंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशंस है सारे निकल जाते हैं। तो इस तरह की एक चावल वाली छन्नी जो होती है वो सभी के घरों में होती है, तो हमें क्या करना है, आंवलों को अच्छे से वॉश करके सबको इस तरह से छन्नी के ऊपर रख लेना है। अब हमें क्या करना है, आधा चम्मच के करीब मैंने नमक ले लिया है और उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको स्टीम देने वाले हैं। तो अब मैंने गैस पर एक बर्तन में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और इस छन्नी को क्या है, मैं इसके ऊपर रख दूंगी और ऊपर से इस तरह से मैं कोई ढक्कन है या कोई लीड है उससे मैं इसको कवर कर दूंगी। तो हमें इसको स्टीम देनी है कम से कम 15 मिनट, जिससे कि हमारे आंवले इतने सॉफ्ट हो जाएं कि वो खाने के लिए आराम से उसी समय तुम बनाओ और उसको खा लो। तो अभी मैं बीच में एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अभी ये थोड़े से कम सॉफ्ट हैं, तो थोड़ा सा मुझे और करना है। तो अब मैं फिर से इस पर लीड लगा दूँगी। तो पूरी जो टाइमिंग है कम से कम 15 मिनट की होनी चाहिए। 15 मिनट में हमारे आंवले बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं और आप जैसे कि देख ही रहे होंगे कि इसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो ये बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। मतलब हमें इतना इसको स्टीम देना है कि हम कोई भी रेसिपी जो है उसको बनाएं और उसी समय फटाफट से हम इसको खा सकें। तो ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको उस पानी वाली कढ़ाई पे से हटा लेते हैं। अब हमें इसको ठंडा करना है। अब या तो आप इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं, वरना मैं क्या करूँगी, पहले इसको मैं 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे ऐसे ही रख रही हूँ और उसके बाद फिर से मैं इसको कपड़े से ज़रूर पोछूंगी। उससे क्या होगा कि जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो सारा ही सूख जाना चाहिए, वरना जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो आंवला जो होता है उसमें बहुत विटामिन सी होता है, तो कम से कम एक आंवले में इतने सारे संतरों का विटामिन होता है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए जब भी आंवले का सीज़न होता है तो हमें इसे किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी रेसिपी में इस तरह से बनाना चाहिए कि बच्चे बड़े सभी इसको खा पाएँ, जिससे कि सारे ही विटामिन वगैरह इससे मिल पाए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैं इसके बीच की गुठली हटा रही हूँ और इसके जो पीसीस हैं बहुत आराम से जो हैं इसके टूट रहे हैं, मतलब हमें नाइफ़ वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने सबको इस तरह से कर लिया है। तो आज हम दो रेसिपी बनाने वाले हैं, तो दो पार्ट में हम इसको कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं मसाला दिखा देती हूँ। तो हमें पंचफूरन मसाला बनाना है, तो मैंने जीरा, साबुत धनिया, हींग, राई, साथ में मैंने ले ली है सौंफ, कलौंजी ले लेंगे, मेथी दाना और साथ में लिया है मैंने जीरा। अब ये ले लिया है मैंने गुड़, तो हम चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मसाले बना के रखे हैं हमने, उस पंचफूरन मसाले को हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत स्लो ही हमें इसको चलाना है। ज़्यादा एकदम से हमें डार्क कलर मसालों का नहीं करना है, वरना क्या होगा कि वो जल जाएंगे तो फ्लेवर बहुत बेकार आएगा। अब 2 इलायची मैंने अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दी है। इसी के साथ हम पीसीस में कटे हुए जो हमारे आंवले हैं स्टीम करे हुए उसको डाल देंगे। अच्छे से हम इसको स्टेयर करेंगे, जिससे कि थोड़े से हमारे जो आंवले हैं वो ऑयल में हल्के से जो हैं कुक हो जाएं। वैसे तो ये स्टीम हो ही रखे हैं, तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि हम इसको अभी बनाकर खा सकते हैं। अब मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच के करीब सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच ही हम डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर। कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी कलर डाल देंगे, तो लाल मिर्च का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। 1/2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच हम प्लेन नमक जो होता है वो डालेंगे, 1/2 चम्मच काला नमक। तो नमक हमें कम ही रखना है, क्योंकि स्टीम करते समय आपने देखा होगा मैंने नमक ऊपर से डाला था, तो नमक एकदम ज़्यादा ना हो जाए। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बना रहे हैं गुड़ से, तो अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो करके हमें इसमें गुड़ डाल देना है और गुड़ डालने के बाद हल्का सा ही हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको कुकिंग इसकी नहीं करनी है।
और उसके बाद मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि गुड़ जो है बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा। तो बस हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो ये जो आंवला होता है इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, जो हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और कम से कम 3 किलो संतरे का जो विटामिन होता है वो एक आंवले में होता है, लेकिन थोड़े से कसेले स्वाद की वजह से हम इसके सारे न्यूट्रिशंस को भूल जाते हैं और इसको बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आज आप इस रेसिपी को बनाइए, इसको आप बहुत लॉन्ग टाइम तक रख कर खा सकते हैं। अब हम बनाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी। तो मैंने ये आंवले बचा लिए थे और इसी के साथ अभी देखिए छोटे छोटे पीसीस में भी मैं इसको कट कर रही हूँ। और अब मैंने इसको ले लिया है इस तरह से एक बोल में। अब हम इस पर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब जो प्लेन नमक होता है हमारा, उसको डाल देंगे। इसी के साथ आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें काला नमक। इसी के साथ आधा चम्मच हम डाल देते हैं इसमें जो अदरक का पाउडर होता है, सौंठ पाउडर। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ही हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी कलर। बस बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसमें बहुत ही गुण होते हैं, बहुत ही ये टेस्टी होती है, बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें। अब हम इसमें कर रहे हैं हमारे शहद का यूज़। तो चीनी का यूज़ हम कहीं भी नहीं करेंगे, तो आप कोई सा भी शहद जो हो वो आप ले सकते हैं जो बहुत बेस्ट हो। तो इस तरह से मैं इस शहद को ले रही हूँ। तो आप क्या करें कि इसको बना के या तो आप बना सकते हैं 3-4 दिन के लिए तो उसको खा लें आप, ख़त्म कर सकते हैं, और या फिर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी बना सकते हैं। मीठा आप जितना पसंद करते हैं उतना डालें, क्योंकि हमने इसको उबाला नहीं है तो जो हमारे आंवले का जो खट्टापन है वो पूरा ही इसके अंदर है। तो उसके लिए आप ज़्यादा शहद का यूज़ भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसके खाली जो पीसीस हैं उसको निकाल के खा लें, बाकी बचे शहद के अंदर फिर से आप आंवलों को स्टीम करें और फिर से मिक्स करके दूसरे बार आप इसको आंवले को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, बहुत इसकी सेल्फ लाइफ होती है, आप रोज़ में खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो फ्रेंड्स आप भी इसको एक बार ट्राई करें। तो दोनों ही रेसिपी है जो बहुत ही यूनिक सी है, बहुत सी अलग सी है। तो इसी के साथ मैं अच्छे फ्लेवर के लिए 2 इसमें इलायची डाल देती हूँ जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाए। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। दोनों को आप एक साफ कंटेनर के अंदर भर के रख कर इंजॉय कर सकते हैं जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।